जीएचक्यू हमला केस में बाने पीटीआई समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 9 मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। मुलजिमान के वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात चैलेंज कर दी हैं। वकला सफाई की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। बात कर लेते हैं साजिद शेख से। साजिद बताइए। जी बिल्कुल, 9 मई में जीएचक्यू गेट हमला केस की समाअत जो है वो 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और बानी पीटीआई समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी और मुलजमान के वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात चैलेंज कर दी है और वकला सफाई की दरख्वास्त पर कल दोबारा समाअत होनी है और केस की समाअत जो है वो ATC कोर्ट के जज अमजद अली शाह ने की है और पीटीआई लीगल टीम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और मुकदमा में वकला सफाई की जानिब से कहा गया है कि मुकदमा में दहशतगर्दी की दफा का इतलाक नहीं होता और मुकदमा में दहशतगर्दी की दफा खत्म की जाए और मुकदमा की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के दायरा अख्तियार नहीं है और मुकदमा मुतलका अदालत को भिजवाया जाए और ये भी कहा गया कि दरख्वास्त पर समाअत यानी कि आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। साजिद आपका शुक्रिया।